आज बिहार विधानसभा में राजनीतिक गहमागहमी रही, चूंकि आज सरकार का बहुमत था, बहुमत साबित सरकार को करना था, मुख्यमंत्री बहुमत साबित करने में लगे थे, स्पीकर पर अविश्वास था, लेकिन इस मामले के अलावे भी एक एक मामला जो छाया रहा वह मामला था नियोजित शिक्षकों का। आइए जानते हैं इस संबंध में हम अपने सहयोगी आशुतोष मिश्रा से कि आज की कार्यवाही में कैसे नियोजित शिक्षकों का मामला छाया रहा। आशुतोष जी, बिल्कुल बिल्कुल, पूरे बिहार की के लोगों की नजर आज इस पर टिकी हुई थी, सदन की कार्यवाही पर, कि आखिर सरकार गिरती है, स्पीकर रहते हैं या जाते हैं, क्या तेजस्वी यादव उलट फेर करके मुख्यमंत्री बन जाते हैं। लेकिन 4 लाख वैसे नियोजित शिक्षक हैं जिनकी नजर भी थी सदन की कार्यवाही पर कि उनके लिए क्या कुछ होता है इस दौरान भी। बिल्कुल हुआ भी, और वही चीज हम बताने जा रहे हैं। एजेंडा नहीं होते हुए भी सदन के दौरान, विधानसभा में सदन की कार्यवाही के दौरान नियोजित शिक्षकों का मुद्दा छाया रहा, सदन के अंदर भी और सदन के बाहर भी, यानी फ्लोर टेस्ट पास कर जाने के बाद भी। कैसे, वही हम बताने जा रहे हैं। सबसे पहले जब अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा शुरू हुई, तब तो सबसे पहले राजद के विधायक भूदेव चौधरी को चर्चा के लिए बुलाया गया, निमंत्रण दिया गया। भूदेव चौधरी आए तो उन्होंने 17 महीने के तेजस्वी यादव के या महागठबंधन की सरकार की उपलब्धियां गिनानी शुरू की। खास तौर पर उन्होंने तेजस्वी यादव ने इस दौरान कैसे कैसे रोजगार बांटे हैं, नौकरी बांटी है, ये सारी चीजें बताई। उसमें नियोजित शिक्षकों का मसला भी उठाया उन्होंने। उन्होंने कहा कि किस तरीके से 4 लाख नियोजित शिक्षकों को 17 सालों से नीतीश सरकार कुछ नहीं कर रही थी, लेकिन उनकी सरकार ने राज्य कर्मी का दर्जा देने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई, बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली लाई। ये तो भूदेव चौधरी का था। हम चाहेंगे सबसे पहले कि वो सदन में उन्होंने जो बोला है वो वीडियो एडिटर हमारा उसको सुनाए। 4 लाख से अधिक जो नियोजित शिक्षक थे उनके विषय में मुख्यमंत्री ने कहा था कि अगर भगवान भी आ जाएगा तो इन शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा नहीं मिलेगा। उस समय तत्कालीन वित्त मंत्री सुशील मोदी जी ने कहा था कोई ताकत नहीं है, कोई पैसा नहीं बिहार को कि नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा दिया जाएगा। लेकिन मुझको हर्ष है, फक्र है, फक्र के साथ कहना चाहता हूं जब से तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम बने इनके प्रयास से इन सभी नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा दिया गया। नियोजित शिक्षक सुन लिए होंगे, समझ भी गए होंगे कि किस तरीके से सदन में आरजेडी के विधायक भूदेव चौधरी ने नियोजित शिक्षकों का मामला उठाया, उपलब्धियां गिनाई कि तेजस्वी यादव की सरकार ने या महागठबंधन की सरकार ने, जब तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम थे तो उन्होंने अपना वादा निभाया। अब रही बात सदन के बाहर की, तो सदन के बाहर भी जब फ्लोर टेस्ट में नीतीश और बीजेपी की सरकार पास हो गई, तब जब विजय सिन्हा जो कि डिप्टी सीएम थे बाहर आते हैं, तब वो मीडिया को संबोधित करते हैं, पत्रकारों से बातचीत कर रहे होते हैं, पत्रकारों से और सवाल का जवाब तो वो देते हैं, लेकिन जैसे ही पत्रकार उनसे सवाल करते हैं नियोजित शिक्षकों से संबंधित, वो कन्नी काटते हुए नजर आते हैं, इस सवाल को इंटरटेन नहीं करते हैं। मुख्यमंत्री जी ने सब कुछ कह दिया है नौकरी को लेकर, क्या किया उन्होंने, आगे क्या करेंगे, ये कहते हुए वहां से निकल जाते हैं। हम चाहेंगे वीडियो एडिटर से कि विजय सिन्हा का वो बयान भी सुनाए, वो रिएक्शन भी दिखाए, किस तरीके से पत्रकार सवाल कर रहे हैं और वो बचते हुए नजर आ रहे हैं और वो भागते हुए नजर आ रहे हैं। नियोजित शिक्षकों के सक्षमता परीक्षा में सवाल क्या दिए हमने, क्या दिया जवाब, हमारे मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी ने दे दिया है। रोजगार मिलेगा सर, रोजगार को लेकर लगातार सक्षमता परीक्षा पर क्या होगा सर? सर सक्षमता परीक्षा पे क्या होगा नियोजित शिक्षकों के? कुल मिलाकर 2 ऐसे इंसिडेंट रहे जब नियोजित शिक्षकों का मुद्दा सदन के अंदर और बाहर उठा भी, छाया भी रहा, और ये इम्पोर्टेंट था नियोजित शिक्षकों की।
उससे पहले आपको याद होगा कि सबसे पहले जब राज्यपाल का अभिभाषण हो रहा था उस दौरान भी राज्यपाल ने नियोजित शिक्षकों को लेकर सरकार की उपलब्धियां बताई। किस तरीके से नीतीश सरकार ने 17 सालों के दौरान नियोजित शिक्षकों को पहले 4-5 हजार की नौकरी दी और अब 40 हजार का वेतनमान दे रहे हैं, और किस तरीके से राज्य कर्मी का दर्जा देने के लिए बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली लाई है। हम चाहेंगे वीडियो एडिटर से कि वो क्लिपिंग भी जरूर दिखाए जो राज्यपाल ने अभिभाषण के दौरान सरकार का नियोजित शिक्षकों के पक्ष में क्या स्टैंड है वो बताया है। वर्ष 2006 और 7 से बड़े पैमाने पर नियोजित शिक्षकों की नियुक्ति की गई थी। 2006 और 7 में प्रशिक्षित शिक्षकों को 5,000 रुपये तथा अप्रशिक्षित शिक्षकों को 4,000 रुपये प्रति माह वेतन मिलता था। इनके वेतन में समय समय पर काफी वृद्धि हो गई है और वर्तमान में लगभग 40,000 रुपये प्रति माह वेतन मिल रहा है। सरकार द्वारा इन नियोजित शिक्षकों को सरकारी शिक्षक बनाने के लिए एक अलग से परीक्षा ली जाएगी जिसमें उन्हें 3 बार भाग लेने का मौका मिलेगा तथा पास होने पर वे सरकारी शिक्षक बन जाएंगे। इस परीक्षा का आयोजन प्रक्रियाधीन है। तो कुल मिलाकर के ये 3 चीजें रही नियोजित शिक्षकों के लिए। सदन के अंदर और बाहर भी नियोजित शिक्षकों पर आज साफ हो गया कि सरकार का स्टैंड क्या है। डिप्टी सीएम से छुट्टी वार्ता की थी कई शिक्षक संघों ने, तो डिप्टी सीएम का क्या नजरिया है या डिप्टी सीएम फिलहाल बोलने की स्थिति पे हैं कि नहीं विजय सिन्हा, वो भी आज ऑलमोस्ट क्लियर हो गया है। इसके अलावा नियोजित शिक्षकों के संबंध में महागठबंधन की जो पुरानी सरकार थी और महागठबंधन के जो नेता है वो किस तरीके से क्रेडिट लेते नजर आ रहे हैं वो भी इसमें है। सबसे बड़ी बात यह है कि कल नियोजित शिक्षक आंदोलन भी करने जा रहे हैं। लाखों की संख्या में कहा गया है, उन्होंने आह्वान किया है कि विधानसभा मार्च करेंगे, सरकार को जगाने की कोशिश करेंगे, अपनी मांग को पूरी करने के लिए वो तमाम चीजें करेंगे जो उनसे बन पड़ता है। और उन्होंने साफ साफ कहा है कि जो हमारी मांगे हैं अगर नहीं मानी गई तो ये आंदोलन आगे भी जारी रहेगा, संघर्ष जारी रहेगा। पाठक जी, सुना आपने, फिर अद्यतन जानकारी से आपसे रूबरू होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपसे।